का गेट है जहाँ से हम बुलबुलिया शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका एंट्री गेट, टोटल 84 सीढ़ी टॉप तक जाती है, 45 से बुलबुलिया शुरू होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नोजोन ब्लॉग। तो आ गए नए ब्लॉग के साथ। आज का सीन कुछ ऐसा है गाइस, क्या हम लोग जाएंगे बड़ा इमाम बाड़ा। तो आइए दिखाते हैं आपको पूरा पूरी की पूरी ट्रिप। आइए हमारे साथ, मतलब खाना खा लेते हैं फिर चलेंगे। तुमने कौन सब्जी बनाई है फिर आज? सब्जी बनाई है लौकी आलू। लौकी आलू कौन खाता है इसमें? क्या कह रही हूँ मैं, बाबा से बोलो खाना खा ले फिर चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग खाना पीना खा के रेडी हो चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग हो गए रेडी। हेलो, देख सकते हैं मम्मी रेडी हो गई, परी भी रेडी हो गई है। yes! तो चलते हैं अब। चले मम्मी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रूमी दरवाज़ा, आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर आकर सब लोग फ़ोटो वोटो शूट करवाते हैं, जो कि अभी हम लोग भी फ़ोटो वोटो शूट करवाएंगे। और ये रूमी दरवाज़ा आप लोग दिख रहा है, जिसके ये इस साइड यहाँ पर एक दरवाज़ा है जो कि, और उसके उस साइड हम लोग जाएंगे तो तीन दरवाजे हम लोग को दिखेंगे। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं। तो गाइस हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है, तो अब हम लोग चलेंगे इमामबाड़ा के अंदर। आइए दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा का, जो कि ये मेन गेट आप लोगों को दिख रहा होगा। और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ, भाई बहन मम्मी पापा दादी बाबा के साथ में आया हूँ। और इस साइड ये रूमी दरवाज़ा है जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं अब अंदर बड़ा इमामबाड़ा के, आइए हमारे साथ। तो हम लोगों ने इमामबाड़ा के अंदर प्रवेश कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना बढ़िया है। और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा धूप है, और ये मेरी सिस्टर है और दादी बाबा पीछे आ रहे हैं, और मम्मी हैं और वीडियो बना रहे हैं मेरे पापा। और यहाँ पर एक खाने पीने के लिए कैंटीन भी बनी हुई है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है। तो गाइस यहाँ पर बाहर बाहर घूमने के लिए कोई टिकट नहीं है, जो कि अगर हम लोग भूल भलैया का अंदर जाएंगे तो 50 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पर चार्ज लगता है, जो कि टिकट हम लोग को पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे। तो चलिए पहले टिकट ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने टिकट ले ली है और हम लोग चल रहे हैं अंदर। तो गाइस हम लोगों ने देखिए भूल भलैया है बड़ा इमामबाड़ा के अंदर प्रवेश कर लिया है, और हमारे पीछे आप लोग नज़ारा देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत बड़ी भूल भुलैया है ये। अब हम लोगों ने टिकट तो ले ही लिया है, अब हम लोग चलेंगे अंदर। चलिए हमारे साथ। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं अंदर, और हमारी बहन और हमारी मम्मी पीछे आ रही हैं, और हमारे बाबा जी, क्योंकि चलेंगे अब हम सब लोग अंदर साथ में। और हमारे पापा जी को तो आप जानते ही हैं, कॉमेडियन। ये बड़ा इमाम बड़ा, बड़ा नहीं इतना बड़ा इमाम बड़ा। और गाइस आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और ये रहा इमाम बड़ा। तो गाइस हम लोगों को यहाँ पर पहले अपने जूते उतारने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर 2 रुपये प्रति जोड़ी के हिसाब से लगता है। तो हम लोगों ने जूते उतार दिए, अब हम लोग चलेंगे इमामबाड़ा के अंदर। ये भूल भुलैया यावत के चौथे नवाब हैं, इनका नाम लिखा है मईन पे नवाब आसिफ़ुद्दौला बहादुर आसिफ़ी लखनवी, दूसरे नंबर पे नवाब आसिफ़ुद्दौला इब्न नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला इनके पिताजी थे, आसिफ़ुद्दौला इनके बेटे। इनके साथ में एक आर्किटेक्चर जुड़े थे जिनका नाम था तिफ़ातुल्ला खां इंजीनियर, वो थे ईरान के।
इन्हीं ने आर्किटेक्ट को ईरान से चुना था कि ये बिल्डिंग बनाने में इनकी मदद करेंगे। जब आर्किटेक्ट यहाँ लखनऊ के अंदर में आए हैं तब इन्होंने इस बिल्डिंग के नक्शे को तैयार किया जिसको आज हम भूलभुलैया के नाम से जान रहे हैं। इस बिल्डिंग की शुरुआत 1773 से इसकी स्टार्टिंग की गई, 1784 में कम्प्लीट, 11 साल लगे इस इमारत को बनने के लिए। ये इनकी पुरानी फाइल फ़ोटो है, इसकी ओरिजिनल पेंटिंग आप लोग को मिलेगी आर्ट गैलरी में जिसमें 5 नवाब 5 बादशाहों के फ़ोटो लगे हैं। इनके सर पर जो आप कांच देख रहे हैं ये कांच सोने चांदी हीरे से जड़ा हुआ है, जिसमें लोग बताते हैं ये कैप 1857 में ब्रिटिश फौज के हाथ लग गया, जो इस समय ये कैप आपको मिलेगा इंग्लैंड के म्यूजियम में। अभी जब हम आप लोग को खबर के पास में कैप दिखाएंगे, इस कैप को देखकर वो वाली कैप नकल बनाई गई ताकि लोग नकल पर देख सकते हैं कि उनकी असल कैप जो था वो इसी तरीके का था। नीचे इमामबाड़ा, इसमें एशिया के 3 हॉल बने, चाइनीज़, पर्शियन, इंडियन, जिसमें डिज़ाइन अलग अलग हैं। इसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले चीनी मट्टी प्लाट का डिज़ाइन, ठीक है आइए। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं बड़ा राउंड छोटा राउंड, ये गोल प्लाट बनी हुई है। आज के ज़माने में जो चाइना बर्तन चलते हैं चीनी कांच वाले, उस पर भी डिज़ाइन बनते हैं, तो डिज़ाइन ब्लैक कलर का डिज़ाइन बनता है तो डिज़ाइन देखकर उस बर्तन को ख़रीदा जाता है। उस ज़माने में जो इनके आर्किटेक्चर थे उन्होंने सबसे पहले मट्टी की प्लाट को चुना था तो उस प्लाट पर यह डिज़ाइन बना था। जैसे आज के ज़माने में हम चाय की तश्तरी इस्तेमाल करते हैं चीनी वाली कांच की जिसमें फूल डिज़ाइन बने होते हैं, अगर उस तश्तरी के डिज़ाइन को इस डिज़ाइन को देखिए तो लगता है जैसे ये गोल तश्तरी बनी हुई है। तो ये बना है प्लेट का डिज़ाइन, तो चीनी मट्टी प्लेट को हम अभी समय जो है चाइनीज हॉल के नाम से जान रहे हैं। ये कुर्सियाँ जिसके रास्ते भूलभुलैया के ऊपर बनाए गए, कुर्सी शोपे डिज़ाइन के लिए, कुर्सी में जितनी भी खिड़कियाँ बनी ऊपर से लेकर ये नीचे तक 3 खिड़कियाँ, ये सब क्रॉस वेंटिलेशन जिसको कहते हैं रोशनदान, रोशनी हवा लाइट के लिए, के भूलभुलैया के दीवारों के बीच में जब आप लोग जाएंगे तो आप गर्मी हफ एयर महसूस ना करें, इन खिड़कियों से आपको दीवारों के अंदर ऑक्सीजन बराबर मिलता रहेगा, ठीक है आइए। इसको कहते हैं पर्शियन हॉल, पर्शियन 163 फीट की दूरी पर बनाया गया, जिसके अंदर कोई बीम नहीं, कोई लिंटर नहीं, कोई लोहा नहीं, कोई लकड़ी नहीं, ये छत विदाउट सपोर्ट बनी। ये छत सिर्फ भारत की नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हॉल माना जाता है, क्यों? क्योंकि छत में कोई सपोर्ट नहीं है, ये छत जितनी नीचे उतनी टॉप तक के, इसकी मोटाई 10 फुट मोटी छत है, जबकि इसमें कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ आर्च और डार्ट पर रुकी हुई है। किस तरीके से जब आप लोग बिल्डिंग पर चलेंगे तो इसकी जानकारी छत के बारे में हम आपको वहीं पर देंगे, ठीक है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये दरगाह करबला एरा, ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे हसन हुसैन, जिनके नाम का इमामबाड़ा नवाब आसफ़उद्दौला ने लखनऊ में बनाया, असल करबला इराक में ये वहाँ का स्ट्रक्चर बना, मोहम्मद साहब के नवासों की याद में नवाब साहब ने इमामबाड़ा लखनऊ में ये उन लोगों के लिए बनवाया जो इनके टाइम में लोग ईरान इराक नहीं जा पाते थे। तो आज भी शिया समुदाय के लोग यहाँ पर पहली से 10 मुहर्रम करते हैं और सादे दिनों में लोग यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मानते हैं। ये इसका छोटा नक्शा है सिल्वर पेंट गोल्ड पेंट कलर से, इसका बड़ा नक्शा वो रखा है सामने चंदन की लकड़ी अखरोट की लकड़ी से बना हुआ। इन दो नक्शे के बीच में ये रखा है ताज़िया, जो ये जो ताज़िया आप देख रहे हैं ये बिना जुलूस के यहाँ पे रखा गया। तो ये ताज़िया पहली मुहर्रम को बड़े इमामबाड़े से निकल के छोटे इमामबाड़े जाती है, जब जुलूस का काम ख़त्म होता है तो इसको उसी वक्त उसी दिन में रिटर्न लाकर यहीं पर रख देते हैं। अगर ताज़िया ये इस साल मुहर्रम में रखा गया तो आने वाले दूसरे मुहर्रम तक ये ताज़िया यहीं पर रखा रहेगा। अभी दरवाज़ जो 2 साल से ये कोरोना महामारी चल रही है तो उसकी वजह से मुहर्रम के प्रोग्राम कहीं नहीं हो रहे, तो ये इस ताज़िया जो है बिना जुलूस के ला कर रख दिया, एक भाग यहाँ रहता है एक छोटे इमामबाड़े में। छोटे इमामबाड़े का जो ताज़िया होता है वो मोम से बनाया जाता है, ये ताज़िया पेपर लकड़ी पन्नी चांदी के वर्क से इसको मिक्स करके बनाया जाता है। हालाँकि नवाब आसफ़उद्दौला इनके साथ में इनकी बेगम जिनका नाम था शमशुन्निसा, इन दोनों की समाधि जो ओरिजिनल है वो 10 फीट अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर है। बेसमेंट में दो खबरें यूँ बराबर की बनी है, ये बेसमेंट का एक रास्ता जिसको मार्बल से सील करके ये खबर का एक निशान बना करके छोड़ा गया, जिससे आने वाले लोगों के लिए पहचान रहेगी कि जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनवाया ये उनकी खबर का निशान बना है। तो यहाँ पर शिया समुदाय के लोग नवाब साहब इनकी बेगम के नाम का लोग यहाँ पर फातिया पढ़ते हैं, फातिया उसको कहते हैं जो मरने के बाद हवन वगैरह कराते हैं मन की शांति के लिए, तो लोग यहाँ पर उसको फातिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इनकी कैप रखी है जो डुप्लीकेट,
ये नवाब साहब की कैप रखी है, ये कैप डुप्लीकेट कॉपी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ओरिजिनल कैप इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा है, जो 1857 में ब्रिटिश फौज के हाथ लग गया। ये नकल इसलिए बना के रखी गई ताकि लोग नकल पर देखें कि उनकी असल कैप जो था ऐसे ही था और इतना ही बड़ा। ये नवाब साहब के नेम प्लेट लगी है, उर्दू में नाम लिखा है नवाब आसिफ़ुद्दौला बहादुर। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ का है, 1748 में इनका जन्म हुआ और 1797 में इनकी डेट हो गई। इसकी ओरिजिनल नेम प्लेट आप लोग को मिलेगी आठगेरली में। ये नवाब साहब के ज़माने का यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें ओरिजिनल हैं जो आज मौजूद हैं। एक ये मिनर शीशा जो रखा हुआ है, दूसरा ये कैंडल स्टैंड, ये उन्हीं के टाइम के हैं। जो आज के टाइम में ये दोनों एंटिक में माने जाते हैं। उस ज़माने में लाइट वगैरह नहीं होती थी। इसमें आप देख रहे हैं कैंडल स्टैंड में इसमें कटोरियाँ दी गई, इसमें आप घी डालकर दिया बना सकते हैं, दियाना लगाएं, मोमबत्ती फिट कर सकते हैं। ये जितने बेल्जियम गिलास लगे हैं रंगीन से वाइट तलक में, इन सब में भी मोमबत्तियाँ लगाते थे बिल्डिंग में लाइट करने के लिए, मगर उस वक्त फुल लाइट छत में नहीं हो पाती थी। तब उनके आर्किटेक्चर उनके माल से शीशा मंगवा के रखे अच्छे, उन्होंने कहा रात में जब यहाँ मोमबत्ती दिए कैंडल जले तो उसकी जो चमक लाइट होगी जब इन शीशों मीनरों पर पड़ेगी तो इसकी चमक का रिफ्लेक्शन सामने छत में होगा। ये शीशों ज़माने में फोकस लाइट का काम करते थे, आपके हमारे टाइम सिर्फ शो के लिए रखे। ये शीशा बेल्जियम कट गिलास का 250 साल पुराना शीशा, और शीशे के इर्द गिर्द जो लकड़ी का फ्रेम बना है ये अखरोट की लकड़ी है। इस पर वाटर पेंट किया जाता है, गोल्डन पेंट करते हैं ताकि इसमें दीमक कीड़ा ना लगे, इसलिए लकड़ी के बचाव के लिए इसको पेंट किया जाता है। इसको भी और ये स्टैंड इसको भी कलर किया जाता है। ये बिल्डिंग का हॉल है, इसको कहते हैं इंडियन हॉल। बीच वाला पर्शियन, ये इंडियन। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर में लगा हुआ है, इंडियन खरबूजे का डिज़ाइन, खरबूजा जो वाइट कलर का होता है बड़ा वाला, उसके ऊपर जो ऊपर धारी डिज़ाइन बना होता है ये उसका डिज़ाइन बनाया गया। हमने आप लोगों को बताया कि ये खरबूजे का डिज़ाइन, अगर आप लोग हमको हटाकर अपने हिसाब से देखें तो आपको लगेगा जैसे ये गोल छतरी बनी है, छाता। ये ऊपर की जो कुर्सी है ये गुलाई, ये बीच में सरिया, ये गोल छतरी बनी। कैसे बनी? हम जब खरबूजे की कटिंग कराते तो वो चार कोनों से खुल जाता है, उसमें बीज भरे होते हैं, बीच अगर आप निकाल दें तो खरबूजा अंदर से खाली हो जाता है। तो उस कटिंग खरबूजे को उठाकर जब हम पलटेंगे तो नोक नीचे गुलाई ऊपर, तो ये खरबूजा उल्टा बना हुआ है। इसका ऊपर के डिज़ाइन को पलटकर हम उल्टा डिज़ाइन करेंगे तो वो डिज़ाइन भी हमको उल्टा ही दिखाई देगा। नीचे जो आप तीन हॉल देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर, ऊपर प्लेन छत बनी हुई है। ये जितनी प्लस दीवारें बनी हुई हैं ये नीचे से लेकर छत तक एक ही में जॉइंट है, इसी के बीच में ये रास्ते ओपन जिसको कहते हैं भूल भुलैया। तो बिल्डिंग पर चलने के बाद इन रास्तों को हम वहीं पे डिसाइड करेंगे, ठीक है? आइए। का गेट है जहाँ से हम भूलभुलैया शुरू करने जा रहे हैं, ये आपका एंट्री गेट। टोटल 84 सीढ़ी टॉप तक जाती है, 45 से भूलभुलैया शुरू होगा। जहाँ से एंट्री वहीं से वापसी आने जाने का यही एक रास्ता। 4 सीढ़ी को छोड़ दिए, यहाँ से 45 सीढ़ी गिन के हमको ऊपर चलना है। जहाँ पे 45 सीढ़ी होगी वहीं से स्टार्टिंग होगी। 45 सीढ़ी काउंट करने के बाद जिस गेट से हम अंदर दाखिल हुए वहाँ से भूलभुलैया शुरू हो चुकी है। 330 फीट लंबी गैलरी, 15 फुट चौड़ी दीवार, 2-2.5 फीट का रास्ता, बीच में जगह जगह पे 4 रास्ते, 3 गलत, 1 सही। कौन सा सही रास्ता कौन सा गलत, पहले फ्लोर से टॉप तक ये रास्ता अभी हमको डिसाइड करना है, फिर हम आपको बताते हुए चलेंगे कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत। तो रिटर्न में इस रास्ते को आपको डिसाइड करना है, ठीक है? इसलिए मैंने वहाँ पे आपको 3 मार्क दिखा दिए, 92, 786, 110। वो निशान आपको रिटर्न में वापसी में देखना है, जिसमें आप लोग करेंगे भूलभुलैया का रास्ता ट्राई। ये दीवार की चौगिर्दी से आपकी हमारी सेफ्टी है। इसके अंडरग्राउंड ये स्टेज बना, छोटा सा गेट। ये जितने भी रास्ते उस वक्त बनाए गए सुरंग बेसमेंट के अंदर के रास्ते, जिसमें लोग बताते दिल्ली, आगरा, फैजाबाद, कलकत्ता, जिसमें ब्रिटिश की 4000 फौज ऊपर आने के बाद जो लोग सुरंग तहखाने के अंदर जाते गए दोबारा बिल्डिंग पर वापस नहीं लौटे, उसके बाद ये रास्ता बंद कर दिया गया ताकि इससे आपकी हमारी सेफ्टी, हमारे आपके आने वाले जो लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये रास्ता क्लोज किया गया। अगर आज के टाइम में ये रास्ते ओपन होते तो जितने बिल्डिंग पर आ रहे इसके आधे भी रिटर्न वापस नहीं जाते, क्योंकि ये इनके टाइम की असली भूलभुलैया है, जो इन रास्तों को आज हम भूलभुलैया कह रहे हैं। इसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल देखने के बाद ये रास्ता हमको छोड़ना होगा। रिक्शा, टांगा, मोटरसाइकिल, कौन अंदर आया कौन बाहर गया,
बिल्डिंग में से आप सबको देख रहे हैं, ये उनके जमाने का दूरबीन कैमरा जो उस वक्त में नहीं था, आज भी दूरबीन सीसीटीवी कैमरे का भी काम करेगा। ये उनके जमाने की टेक्नोलॉजी, दो दुश्मन देखने का रास्ता। कहाँ है, किधर छूट गई? एक मिनट, एक दो तीन, सब लोग लेफ्ट टर्न आएंगे, लेफ्ट। गेली फर्स्ट गेली उधर, सेकंड गेली ये 330 फीट लंबा। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं रिटर्न वापसी, ये रास्ता हमें रिटर्न में डिसाइड करना है। अगर ये रास्ता इधर लेफ्ट टर्न में ना हो तो उधर से राउंड करके हम इधर से वापस चले जाएंगे 45 सीढ़ी तलक। हमको यहाँ से जाना है टॉप फ्लोर, बिल्डिंग का ये पहला फ्लोर है। यहाँ पे तीन रास्ते होते हैं, एक दो तीन, जिधर में चलेंगे लेफ्ट, पहला फ्लोर छोड़ेंगे सेकंड फ्लोर। पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, आहिस्ता बोल के बुराई ना करो, दीवारों के भी कान होते हैं। आइए सब आदमी यहाँ पे रुकेंगे। इस सिरे से सिरे तलक गैली की लंबान 60 फीट की दूरी है। जिस तरीके से हम यहाँ पर रुककर आपसे हम बात कर रहे हैं, जब मैं वहाँ पर पहुँचूंगा तो मैं अपनी आवाज़ में नहीं बल्कि सांस के जरिए बोलूँगा, जो आवाज़ एकदम धीमी और एकदम महीन होगी। तो इस आवाज़ को सुनने के लिए हमें यहाँ पर कोई बात कोई शोर नहीं चाहिए। जैसे सब लोग खामोशी से खड़े ऐसे ही खड़े रहिएगा, और वहाँ से जो आवाज़ मिले तो उस आवाज़ को सब लोग फॉलो करेंगे। आवाज़ फॉलो करने के साथ साथ उसका जवाब सिर्फ एक आदमी को देना है, और जो पहले बोल देगा सिर्फ उसी को बोलने दिएगा, बाकी सब लोग आवाज़ पर ध्यान देगा। और जो बात जो शोर करेगा, जिसको आवाज़ नहीं मिलेगी वो खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है, यही रुके रहिए। कितने देर से गए हो यार, तुम्हारी आवाजें नहीं आ रही है। सुनो सुनो भाई, रुको रुको, सुनते जाओ भाई। ये जो नीचे हम आप लोग को आवाज बताना चाह रहे थे, दीवालों के कान, ये तो एक बुजुर्ग की कहावत है जो यहाँ पर आज के जमाने में मशहूर है। तो ये जो कहावत आपने देखी दीवालों के कान, ये जमाने का टेलीफोन माइक साउंड नेटवर्क, ये सब का काम दीवाले कर रही है। ये जो हम सांस के जरिए बोल रहे थे, आज के ज़माने में तो हम टेलीफोन या फिर मोबाइल के साउंड पे इसी तरीके से बात कर लेते हैं। अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता तो कॉल नहीं जाती है, तो वो चीज़ ये दीवार है। अगर इस दीवार में ज़रा सा भी शोर होगा तो आवाज़ क्लियर नहीं होगा। इस आवाज़ को सुनने के लिए हमें शोर की नहीं शांति की ज़रूरत है। इस आवाज़ को जितना भी हम खामोशी से सुनेंगे तो ये आवाज़ आप 60 की जगह 100 फीट की दूरी पर ले जाएं, तो ऐसी बात आपको वहाँ तक भी कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, बशर्ते कि हमको बिल्डिंग के अंदर शोर की नहीं शांति की ज़रूरत है। तब तो दीवारों के कान बनेगा, अगर ज़रा सा भी शोर होगा तो आवाज़ क्लियर नहीं होगा। हम आप अगर नीचे बात करेंगे तो हम समझ रहे कि मेरी बात को आप सुन रहे और आपकी बात को हम, तो ऐसा लग रहा है कि दीवार के बीच में आपस में हम आप दो आदमी बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता मेरी आवाज़ को नीचे आप भी सुन रहे हैं, और जो तीसरे फ्लोर पर आदमी खड़ा है वो मेरी बात को कान लगाकर सुन सकता है। उस वक्त जब इनके फौज के सिपाही बिल्डिंग पर रहते थे तो वो भी जल्दी एक दूसरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता था। अगर अचानक कोई सेकंड फ्लोर पर बोल दे अगर उसकी बात तीसरे के कान तक तीसरे फ्लोर पर आ रही है, तो लाजिम है कि अगर मेरे को भी आवाज़ मिलेगी सेकंड फ्लोर की, तो तीसरे फ्लोर पर रुककर हम पहले उस आदमी की बात को सुनेंगे कि ये आपस में दो सिपाही क्या बात कर रहे हैं।
उस वक्त इनके सिपाही जब बात करते थे तो तीसरे फ्लोर का आदमी उस बात को कान लगाकर सुनता था कि ये आपस में दो सिपाही क्या बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इनके सिपाही के बीच में कोई दूसरा आदमी बिल्डिंग पर मौजूद है जो इनके खिलाफ बिल्डिंग पर रहकर कोई षड्यंत्र रचाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर इनके सिपाही में रहकर इनको भड़काने की कोशिश कर रहा हो, या फिर धीरे धीरे इस बिल्डिंग की खबर कोई बाहर लीक कर रहा हो। अब चाहे वो इनके खुद के सिपाही हो चाहे बाहर से आने वाले लोग, अगर हम आप भी कहीं दीवार पर बोले दीवार के बीच में तो हम आप ये ना समझे कि मेरी बात को आप और आपकी बात को हम आपस में ही हम बात कर रहे हैं। मेरी बात को अगला आदमी भी तीसरा आदमी कान लगाकर बात को सुन सकता है। तो उस वक्त में भी ये बुराई के लिए था। और आज की जो कहावत है बुजुर्ग की कहावत, ये कहीं हम किसी बुजुर्ग के मुंह से हमने सुना होगा तो वही कहावत लाकर हमने इन दीवारों को उस कहावत से मिला दिया। तो अगर इन दीवारों को देखकर कहावत मानी जाए तो ये कहावत सच मानी जाती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये उनके ज़माने का टेलीफोन मोबाइल नेटवर्क सिस्टम का, ये सामने आप देख रहे हैं ये कटिंग का कोना जो नीचे भी आप लोग देख के आ रहे हैं खरबूजा हॉल जो अंदर गोल बना हुआ था, ये इसका डोम बना। इस डोम पे दीवार साइड छत का वेट बैठ रहा था। तो इनके जो आर्किटेक्चर तिफातुल्लाह खां इंजीनियर ऊपर की दीवार को काटकर इसका वेट कम किया। ऊपर की दीवार काटने का मतलब है कि नीचे जो खरबूजे हॉल की गुलाई बनी है उसका वजन इन दीवारों से कम किया जा सकता है। ऊपर से दीवार छत तो मोटी हो जाती है तो दीवार छत का वेट कम करने के लिए दीवारें काट दी जाती है ताकि इसका लोड को कम कर सकते हैं। कैसे कम हुआ देखें, ये दीवार का जितनी भी वेट सपोर्टिंग है सारा वेट सपोर्ट इन्हीं ने ऊपर से लाकर यहाँ पर रखा है इन चार नोकों के ऊपर में। अगर इस पर वजन बढ़ जाता है तो इसके अलावा उसके आगे चार नोके हैं, यहाँ का वेट उन चार नोकों पर चला जाएगा। और दीवार का वेट कैसे कम होगा देखिए, ये स्टेप्स बने सीढ़ियाँ, इसको आर्च कहते हैं। हाँ, ये ईट जितनी बाहर उतनी अंदर, ये स्टेप्स के जरिए ये लखौरी ईट लगाई गई जो यहाँ पर आके रुकी, जिसे आर्च के तौर पर लोड को डिवाइड इधर से किया गया आर्च पे, ताकि आधी छत आधी दीवार इस साइड पे रहेगा, दूसरा आर्च वो सामने की दीवार से, ये आर्च आया यहाँ पे रुका तो ये छत आर्च और डार्ट पे रुकी हुई, जबकि इसमें कोई बीम लिंटर लोहा लकड़ी कोई सपोर्टिंग नहीं आया। इस ईट को हम कहते हैं लखौरी ककरिया लाहौरी, ये पुराने जमाने की ईट है जो आपके मेटर नहीं चलती है। ईट के साथ जो मटेरियल जुड़ा हुआ है बिल्डिंग के अंदर में, इसमें सुर्खी चूना चिकनी मट्टी थोड़ी बहुत आस्ट्रा में खाने पीने की चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की गई, क्योंकि उस समय सीमेंट मोरंग बालू ये सब नहीं चलता था। खाने पीने की चीज़ें बिल्डिंग के अंदर उड़द की दाल, चने की दाल, सिंघाड़े का आटा, गोंद, गन्ने का रस, अंडे की जर्दी, गुड़, सुर्खी चूना, बेल, चिकनी मट्टी, शहद, जौ का आटा, शीरा शक्कर, इसमें वो वाली चीज़ें दी गई जो शीरेदार लेस वाली चिपकने वाली चीज़ें। तो ये अगर इसमें इन्होंने प्योर खाने पीने की चीज़ें दी होती तो अब तक इसको दीमक और चीटी खाकर खोखला कर देता। जैसे ये ईटें लटक रही हैं, अंदर से मटेरियल ऊपर से प्लास्टर दोनों ख़त्म हो गया, इसलिए आर्किटेक्चर ने इसमें खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ इसमें सुर्खी चूना चिकनी मट्टी गोंद पिसा कोला ये इसकी मिलावट की है, ताकि ये दीमक और चीटी कीड़े की काट बनाकर इस बिल्डिंग को तैयार किया गया, तब ये बिल्डिंग आज आपके रुकी है। नहीं तो ये बिल्डिंग आप लोग के देखने से पहले जैसे ये बिल्डिंग खंडल है छत, ऐसी पूरी बिल्डिंग खंडल हो जाती है। ये टॉप फ्लोर है, हम लोग टॉप फ्लोर में आ गए, हम लोगों को और हम लोग लया के ऊपर छोड़ दिया उसने। अब छोड़ के वो ये कह रहा है कि अब आप लोग चलिए आगे और हम चलते हैं पीछे, और किसी कारणवश हम लोग यहाँ के भूल जाते हैं रास्ता ढूंढ ही लेंगे हम लोग, खैर तब भी पाचे भूल जाते हैं और पीछे वो तो हा ही रहा, हम लोग को दिक्कत नहीं आ रही है। खैर फिलहाल उसके लिए अब उपाय था, ये भी उपाय है क्योंकि हम लोग को एक सीढ़ी मिलेगी, फ्लैट सीढ़ी मिलेगी, यहाँ से जो फ्लैट सीढ़ी मिलेगी उस पर हम लोग सीढ़े डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन तब भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। भूल भुलैया माने का मज़ा ही क्या है, यही मज़ा होता है जब हम लोग ट्राई करेंगे रास्ता भूलेंगे तभी तो मज़ा आएगा। जब पीछे हमने किया हुआ है वो तो लगाया हुआ पीछे, ठीक ओके हम लोग ट्राई करते हैं। पहला रास्ता ये एक, दूसरा रास्ता वो है, तीसरा रास्ता वो 84 सीढ़ी है, 84 स्टेप, टॉप फ्लोर से डायरेक्ट नीचे जहां आपने टिकट चेक कराया था ये सीढ़ियां आपको सीधे नीचे उतारेंगे। ये दो रास्ते आपको उसी तरीके से लेके जाएंगे जिस तरीके से हम आपको पहले फ्लोर से टॉप तलक में लेके आए। अब यहां से हम चलेंगे भूलभुलैया का रास्ता ट्राई करने के लिए। यहां से ट्राई के लिए कहां से आपको छोड़ना है हमें ये हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद ग्रुप में जितने लोग होंगे सब आगे चलेंगे और ग्रुप के लास्ट में पीछे हम चलेंगे। अभी हम पहले फ्लोर से टॉप तक गए थे तो हमें समझने में घूमने में देर लगी, ऊपर से टॉप फ्लोर से नीचे आने में हमको टाइम नहीं लगा। ये हम आ गए सेकंड फ्लोर, ठीक अब आप यहाँ से जाएंगे नीचे फर्स्ट फ्लोर। सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद वहाँ पर आप लोग को जगह जगह पर चार रास्ते मिलेंगे,
तीन गलत एक सही, कौन सा सही रास्ता कौन सा गलत, अब ये रास्ता हमको डिसाइड नहीं बल्कि आप लोग को करना है, ठीक है। ये देखिए सामने रास्ता बना है, इससे आपको नीचे उतर के चलना है। तो यहाँ पर चार रास्ते हैं, तो हम लोगों को एक साइड जाना पड़ेगा। इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इस साइड। तो हम लोग इस साइड चल रहे हैं। तो गाइड हम लोग के पीछे हैं, तो हम लोग रास्ता भूल गए हैं। तो यहाँ पे भगदड़ मच गई है, देखिए यहाँ पर कैसे निकलते हैं हम लोग, आप लोग पूरा देखिएगा। हम लोग यहाँ पे यही है कंफर्म भैया, आओ चलो चलते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ पर फुल मस्ती से जा रहे हैं, जो कि हम लोग इसी रास्ते से आ रहे थे और लोग मना करने लगे कि रास्ता नहीं है, फिर हम लोग दोबारा इसी रास्ते से आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे चार रास्ते थे जिनमें से हम लोग को एक रास्ता डिसाइड करना था, जो कि तीन गलत थे एक सही। तो हम लोग एक रास्ते पे चल रहे हैं, आगे चल के देखा जाएगा कि रास्ता सही है या गलत। तो देखिए एक यहाँ पर चार रास्ते और मिल गए हैं, इनको शायद मेरे ख्याल से यहाँ से जाना चाहिए हम लोग को, तो यहाँ से चला जाए, देखा जाए क्या होता है आगे चल के। आइए चलते हैं, आप लोग आराम से आइएगा। अरे गलत आ गए, गलत आ गए, गलत आ गए यहाँ पर, तो इस साइड हम लोग गलत आ गए हैं, तो हम लोग को दूसरी साइड से चलना पड़ेगा। तो चलते नहीं तो हम लोग और रास्ता भूल जाएंगे। एक ये रास्ता हम लोग को एक रास्ता और दिख गई है हम लोग के यहाँ पर, अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से चले। तो आखिरकार हम लोग को नीचे जाने का रास्ता मिल गया है, तो हम लोग नीचे चलेंगे। तो हम लोग भूल भूलिएगा कि आखिरी सीढ़ियों पर आ गए। इस तरीके का पांच बिल्डिंग है ना, तो सुनिएगा। देखिए इसका जो मेन मकसद बनवाने का था, वाटर सप्लाई के लिए बिल्डिंग बनवाई गई थी। इसको किसने बनवाया था? नवाब आसिफुद्दौला साहब ने। आप लोग सामने गेट देख रहे हैं, इस गेट के अंदर आप लोगों को ताला दिख रहा है, इसके अंदर आप लोगों को गंदा खराब पानी दिखाई दे रहा है। जब आपको बिल्डिंग अंदर ले जाएंगे, ये पानी लगेगा तो शीशा रखा हुआ है। क्या मकसद था, पानी क्यों आता है? ये पानी जो आता है सर गोमती नदी से आता है। तो आप जो हैगा पूरी बिल्डिंग का यह है कैमरा, आप लोग ऑफिसों में दुकानों में कैमरा लगवाते हैं, तो नमाज शाह के टाइम का है ये कैमरा। जब आपको बिल्डिंग अंदर ले जाएंगे, इस गेट से कितने लोग आ रहे, कितने लोग जा रहे, कौन क्या कलर के कपड़े पहने, सब आपको पानी में तस्वीर दिखाई देगी। बाकी बातें अंदर चल के आइए आप लोग, उससे आप लोग नीचे सुनिएगी। पूरी बिल्डिंग अंदर आपको ना कोई लोहा मिलेगा, ना कोई सरिया मिलेगी, ना कोई पिलर मिलेगा। हम लोग घर मकान बनवाते इतना लोहा सरिया फिट करते थे, लेकिन जब भूकंप आते पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। दसियों साल से बिल्डिंग जो कि जूं तनी भी खड़ी भी, इसके ऊपर कोई धूप का या कोई बिजली का कोई तूफान का असर नहीं। यहाँ पर बहुत अंधेरा है, जो कि हम लोगों को मोबाइल की लाइटें जलाकर यहाँ पर अंदर प्रवेश करना पड़ रहा है। आपको एक गेट दिखाया था जिस गेट पर लगा हुआ था ताला, उसके अंदर हमने आपको पानी दिखाया था गंदा खराब। पूरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि पानी के अंदर, ये पानी है शीशा नहीं आएगा। कितने लोग गेट से आएंगे, कितने लोग गेट के बाहर जाएंगे, सब लोग पानी की तस्वीर देख लेंगे। तो नवाब साहब टाइम का है कैमरा, आइए वहां से यहाँ से बैठ के आप केजरीवाल को देख सकते हैं। आइए इधर आइएगा आप लोग, वॉल्यूम कुएं के सुनिएगा, बहुत ध्यान दिखे रखेगा, गैर साहब कुछ बताया ही नहीं। देखिए हमने आपको नीचे के भूल बोलिया है, मैं आपको वॉल्यूम कुएं का सुनाते हैं। आपने वॉल्यूम कुएं का खजाना नक्शे की चाबी कहानी सुनी होगी जो है। देखिए एक टाइम पे इतना पानी आता रही, पूरा कुआं फुल हो जाता था, लोग आते रहे, आबादी बढ़ती रही, वॉल्यूम कुआं टूट गया। इसके नीचे सर चार मंजिला और भी है, कुल है इमारत सात माले की। तो चार माले का बंद कर दिया गया है पानी के अंदर डूबे हुए। नक्शा चाबी खजाना किमतुल्ला साहब यहाँ से कूदे थे, गोमती नदी में निकले थे। जब वो वापिस अभी नक्शा चाबी खजाना ऐसी जगह छुपा दिया, आज तक लोगों को नहीं मिल पाया। जो भी लालच में गया, नक्शे चाबी हीरे जवाहरात के पहुँच गया, लेकिन दोबारा घर वापिस नहीं जा पाया। तो गाइस हम लोग पूरा इमामबाड़ा पूरी भूल भुलैया घूम फिर के आ गए, तो बस
तो ये हम लोग गाइड ने जो हम लोग को बताया था बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, क्योंकि हम लोग एक बार अटक भी गए थे, गुम हो गए थे, लेकिन हम लोग वापस फिर आ गए थे सही से। तो हम लोग को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग एक जगह नज़ारा उस साइड भी देख सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ देखिए कितने आराम से टांग लटका के बैठी हुई हैं, आराम से मज़ा ले रही हैं, हिलाते हिलाते टांग हिलाते हिलाते, और बच्चों को भेज दिया आगे। ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन कर रही हैं ये लोग, बड़ा ख़तरनाक दृश्य दिख रहा है। कृपया आप लोग ऐसा ना करें, यहाँ पर आके अपनी सेफ्टी से रहें, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।